नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। दूसरी लहर जो है अब पूरी तरीके से ढलान पर जाती हुई दिख रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लगातार रफ्तार दिया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर के नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके बाद देश भर में वैक्सीन की अगर बात करें तो अब तक 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के दौरान सरकार की तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन की अलग अलग जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। इसके साथ ही देश के अपोलो अस्पतालों में स्पुतनिक वी की जो रूस की वैक्सीन है वो भी लगाई जा रही है। लेकिन लखनऊ से एक अजीबोगरीब मामला निकल के सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में एंटीबॉडी न बनने पर एक अधिवक्ता ने सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। और इस अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब की है और 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय की गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ के निवासी हैं वकील प्रताप चंद्र ने गोविंद अस्पताल से 8 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई थी। दूसरी डोज उन्हें 28 मई को लगनी थी, लेकिन प्रताप चंद्र का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, जिसमें ये पता चला कि एंटीबॉडी शरीर में बन ही नहीं रही है, साथ ही प्लेटलेट्स भी शरीर में आधे हो गए हैं। इस रिपोर्ट आने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिवक्ता के तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। और इसके साथ ही बता दें, सिर्फ आदार पूनावाला ही नहीं, इस अर्जी में इनके अलावा अन्य 6 लोगों को भी पक्षकार बनाया गया है। इसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के ICMR के महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक, गोविंद हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर लखनऊ के निदेशक को भी इसमें पक्षकार यानी इसमें पार्टी बनाया गया है। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की पर थाने से रिपोर्ट मांगी है और 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरीके से विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी गई थी, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगा रही है, ताकि अगर तीसरी लहर आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीन की डोज लगी रहेगी तो उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप रहेगा, ताकि उनके ऊपर कोरोना ज़्यादा प्रभावी असर नहीं डालेगा। लेकिन एंटीबॉडी जिस वैक्सीन के बाद शरीर में जिस एंटीबॉडी की बात की जा रही है, एंटीबॉडी बनेगा वो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन एंटीबॉडी न बनने पर लखनऊ के अधिवक्ता ने सीरम इंस्टीट्यूट के CEO समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ FIR करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होनी है।